हरदोई पेड़ विवाद में युवक ने झोंका फायर, इलाज के दौरान युवक की मौत, पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। पूरा मामला हरदोई जनपद के कोतवाली पहानी क्षेत्र के गांव सैदपुर का है, जहां पर जामुन के पेड़ को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। कुछ देर बाद मामला ने युवक के ऊपर फायर झोंक दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही हरदोई पुलिस अधीक्षक अमित कुमार अपने काफिले के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। फिलहाल इस घटना के बाद पूरी ग्राम सभा में दहशत का माहौल फैला हुआ है। हरदोई एसपी ने गांव में पूरा कोई वाद विवाद ना हो, इसे गंभीरता से देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दिया। हरदोई एसपी अमित कुमार ने बताया कि जामुन के पेड़ को लेकर दोनों लोगों में वाद विवाद हुआ, उसके बाद आरोपी ने युवक के ऊपर फायर झोंक दिया। भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर देखते हुए प्राइवेट ट्रीटमेंट के लिए दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई तथा आरोपी ने युवक के फायर मारने के बाद सब परिवार घर से भाग गया। फिलहाल टीमों का गठन कर दिया गया है। ग्रामीणों की निशानदेही पर उसे पास के गाँव से लेकर जंगलों में ढूंढा जा रहा है। बाग है, हमारी बाग में जो है उसका जामुन का पेड़ उन्होंने मतलब डाले जो है काट दी थी बिना पूछे। उसके उसके विरोध में हमारे भाई ने घर पे आया तो उसने ये बात उनके पिताजी से कही कि आपने बिना पूछे डाले क्यों काटी हैं। तो वो सब लोग बोलो कि हमने काटी हैं, वो हिसाब में बात करो तो तुम्हारे जवान खींच लेंगे। इसे बातचीत होती रही। उसके बाद उनके प्रेमराज के पुत्र संजीव, अशोक, जयप्रकाश और अखिलेश और संतोष और राम कुमार, ये सभी लोग और बलवीर का पुत्र जनकार, ये सभी लोग तमंचों सहित आए और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसके बाद हमारे बड़ी मम्मी सैदापुर, ये इसका राभा मजरा है, इसमें एक व्यक्ति मेघनाथ यादव जिनको गोली से मार दी गई, जिसमें जामुन के पेड़ को तोड़ने इत्यादि को लेकर प्रेमराज यादव जो बगल के रहने वाले उनसे मिला था, आपस में झगड़ा हुआ, लाठी डंडे चले और उसमें दूसरे पक्ष द्वारा गोली मार दी। पूरा पक्ष परिवार से बना हुआ है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अभी वर्तमान में उनको सीएससी में रेफर किया गया। सीएससी में जाने के बाद उनको प्राइमरी चिकित्सा दी गई, लेकिन उनकी चिकित्सा के दौरान ही मौत हो गई। और इसमें पुलिस मुकदमा लिख के अभियुक्तों की तलाश कर रही है। अभी गाँव में लगभग 7 टीमें हमारी अलग अलग क्षेत्रों से गाँव में एक्टिव हैं और जंगलों में भी और खेतों में भी तलाश की जा रही है। अभी कुछ लोगों की व्यक्तिगत सूचना यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाने की मिली है और जैसे ही अभी तो गिरफ्तार होते हैं वैसे ही सबको